दोस्तों ये श्रीधर मंदिर है, ये श्रीधर भगवान है यानी माता बैठी हुई है। बाबा जी ने अभी बताया हमें। देखिए दोस्तों ये प्राचीन शिव मंदिर है। ये दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी जी पंडित दर्शन गुफा के अंदर, श्री बाबा अमरनाथ जी के दर्शन गुफा के अंदर। तो ये बाबा अमरनाथ के दर्शन है यहाँ पर। ये वापस रास्ता जा रहे हैं, मैं यहाँ से नीचे गया था एंड वो रहा श्रीधर भगवान का मंदिर पेड़ के नीचे। दोस्तों श्रीधर भगवान के दर्शन मैंने आपको कराई दिए हैं। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं, अब मैं भी निकलता हूँ। काफ़ी सारे बंदर हैं, आंटी के साथ ही मैं जा रहा हूँ भाई, पता चले मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से। रास्ता है, अजीब सा रास्ता ले लिया मैंने, रास्ता वो था क्या। इधर देखो यहाँ पर बंदर कितने सारे हैं। माता यहीं से ऊपर पहाड़ पे चली गई थी। दोस्तों आप इस बात को मान सकते हैं कि कितनी सच्चाई है इस जगह पर, त्रिकुटा पर्वत नीचे ही है और यहीं पर भंडारा हुआ था। देखिए भंडारा कहाँ पर हुआ था पंडित जी, यहीं पर भंडारा हुआ था ये बता रहे। दोस्तों ये मंदिर जो है ना, मैंने अभी आपको इसके अंदर दर्शन करे भाई, पहाड़ों में आके गोलगप्पे खाने का मजा ही कुछ और है। मॉर्निंग में मैं श्रीधर मंदिर जा रहा हूँ, तो मैं अभी निकल ही रहा हूँ श्रीधर मंदिर के लिए। एंड आज हमारी 7:50 की ट्रेन है, तो यहाँ पर श्रीधर मंदिर होने के बाद आकर मैं मार्केट वगैरह करके अपने घर चला जाऊँगा। तो मैं दिखाता हूँ, जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ से लोकेशन क्या है भाई। देखो ये तो हमारा होटल है जो मैंने आपको दिखाया था, एंड इससे आगे जाके देखिए यहाँ से आपको मैंने ना एक ना होटल्स की वीडियो बनाई है, स्पेशल वीडियो बनाई है, जिसके अंदर आप कटरा के अंदर जितने सस्ते होटल हैं ना, आप वहाँ पर सबसे बढ़िया धर्मशाला में स्टे कर सकते हैं। तो एक चिंतामणि ट्रस्ट है, एंड जो ये होटल है हमारा ये भी काफ़ी अच्छा और सस्ता है। यहाँ से जाके आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए चिंतामणि ट्रस्ट एरा, इसी रोड से चढ़ाई है और इसी रोड से चिंतामणि ट्रस्ट है। चिंतामणि ट्रस्ट यहाँ से पास में ही है, ये रहा दो तीन दुकानें छोड़कर चिंतामणि ट्रस्ट है। एंड इस गली में आके हमारा होटल है। तो दोस्तों अब मैं श्रीधर मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। श्रीधर मंदिर थोड़ा सा आगे की ओर पड़ रहा है, बस हम निकल ही रहे हैं श्रीधर मंदिर के लिए। बस श्रीधर मंदिर थोड़ा आगे की तरफ है, बस ये रोड श्रीधर मंदिर के लिए जा रहा है। मेरा रूम ये रहा इधर है धर्मशाला। देखते हैं कितनी दूर है श्रीधर मंदिर। मंदिर तो देखो जा ही रहा हूँ, बट चक्कर ये है भाई यहाँ पर इतने सारे बंदर हैं, बहुत ही मतलब ज़्यादा यहाँ पर बंदर है। तो आप थोड़ा सा बच के रहिएगा, बंदरों से पंगे ना लीजिएगा, क्योंकि अगर बंदरों को आप छेड़ते हैं तो बंदर आपको भी काट सकते हैं। बंदर तो बंदर है, आपको पता ही है, फिर इंजेक्शन लगेगा आपके। तो बंदर से दूर रहिएगा बिल्कुल भी, बंदर अटैक कर देता है। खाने पीने का सामान अगर आप लेकर जा रहे हैं तो बंदर उसको ज़रूर अवश्य सच में छीन लेगा आपसे, ठीक है, इतनी गारंटी है मेरी कि बंदर आपको छोड़ेगा नहीं। तो आप खाने पीने का कुछ भी सामान लेकर जा रहे हैं तो आप बड़ा छुपा के जाइए, या तो एक काम आप कर सकते हैं कि आप डंडा लेकर अपने साथ चलिए, डंडे से थोड़ा ये बंदर डरते हैं। तो क्योंकि हम लोग तो भाई यहाँ के लोकल हैं नहीं, और हम लोग यहाँ के लोकल नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई देखो हम बंदरों से कैसे निपटें ये डिफरेंट है, और यहाँ के लोकल बंदे कैसे निपटते हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर बंदरों से छेड़खानी करना बिल्कुल भी गलत हो सकता है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। यहाँ से पीछे त्रिकुटा पर्वत है, पीछे की तरफ से श्रीधर मंदिर इधर ही है। माता का पर्वत यहाँ पर है पीछे की तरफ। एंड एक चीज़ और, एक मंदिर के बारे में मैं आपको बता रहा था जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था,
उसका भी रास्ता यहीं कहीं से निकलता होगा। वही मैंने अभी एक दुकान वाले अंकल से फिर पूछ लिया कि श्रीधर मंदिर किस तरफ है, तो उन्होंने बताया बिल्कुल सीधे चले जाइए। अब सीधा रास्ता तो खैर क्या ही बताऊँ, एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता यार देखो इधर जा रहा है, आपके सामने की बात है। और मेरे हिसाब से ये वही वाला रास्ता है जो कि कंस्ट्रक्शन वाला मंदिर जो ऊपर है जो दिखता है हमें वैष्णो देवी के पर्वत से, बट मैं इधर नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही चला जाता हूँ। भैया श्रीधर मंदिर किस तरफ है? श्रीधर मंदिर भूमका सीधा है ना? ठीक है ठीक है। सामने बता रहे हैं श्रीधर मंदिर। दोस्तों जो मंदिर मैं आपको दिखा रहा था ना जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसका रास्ता यहाँ से जा रहा है, भैया ने मुझे बताया अभी, बट मैं अभी वहाँ पर जाऊँगा नहीं क्योंकि जाके कोई फ़ायदा नहीं है, बंदर भी है, मैं अकेला हूँ, तो मैं तो अभी श्रीधर मंदिर जाऊँगा यहाँ से, बट किसी और दिन मैं आपको दिखाता हूँ वो रास्ता किधर से जा रहा है। मंदिर की कहानी तो मैंने आपको बताई थी कि मंदिर में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, लोगों ने मना कर दिया था, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन वो अभी भी है। वो मंदिर यहाँ से कुछ ऊपर जाके ही है, ये बिना स्टार्ट करे ही निकल रहे हैं यहाँ से भैया। भाई मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्या है कि देखिए आप ना, मैं कई बंदों से मिला हूँ भाई, मैंने कई बंदों से बातचीत अभी करी है और वो मुझे अभी सामने ही मिले थे मेरे होटल के, वही कह रहे यार हम तो कमीशन के एजेंट के चक्कर में फंस गए यार, हम महंगा है। जब मैंने उन्हें अपने होटल का प्राइस बता दिया कि भाई मेरा होटल का प्राइस इतना है, तो कह रहे यार हम तो फंस गए। एक्चुअली क्या है कि हर एक के साथ है, हर एक के साथ है, आप जब भी आते हैं आपको यहाँ पर होटल के रेट बहुत ही ज़्यादा महंगे बताए जाते हैं भाई, जिसकी वजह से आपको महंगा होटल मिलता है और उससे ये रहता है कि भाई देखो आपको असुविधा का सामना करना पड़ता है और भाई आपके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, जहाँ पर आपके आधे पैसे खर्च होने चाहिए वहाँ पर डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं भाई, होटल के चक्कर में यार मजबूरी में लेना भी पड़ता है। आप फैमिली के साथ होते हैं, बच्चे के साथ होते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप होटल नहीं लेना आपको, तो इंसान मजबूरी में दे देता है पैसे कि भाई चलो यार यार एक ही दिन तो आते हैं यार, काफ़ी टाइम बाद आते हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं। तो भाई अभी जो अंकल खड़े हैं उन्होंने मुझे बताया कि श्रीधर मंदिर यहाँ पर नीचे जाते ही है, ये देखिए यहाँ पर काली माता का भी मंदिर है, जय माता दी। अब मंदिर तो काफ़ी सारे हैं, ये देखिए रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखिए भाई कुछ भी बोलो यार बहुत सुंदर है यार, यहाँ पर अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है भाई यहाँ पर। एक शायद ये मंदिर है यहाँ पर नीचे, अब देख कर आते हैं कौन सा मंदिर है, शायद यही हो श्रीधर मंदिर, लग तो मुझे यही रहा है, देख कर आते हैं क्योंकि इस रोड पर देखो आगे तो कुछ दिख नहीं रहा यार, देखो ये रोड भाई कहीं ऊपर जा रहा है भाई, अब पता नहीं कहाँ ले जा रहा है भाई, तो यही होगा श्रीधर मंदिर जहाँ तक की है। हाँ यही है श्रीधर मंदिर, और मेरे को ये देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, श्रीधर मंदिर किस तरफ है? अच्छा इसी तरफ है, तो कैसे रहे आपके दर्शन? बहुत ही अच्छे, श्रीधर जी के दर्शन कर लिए तो सारे तीर्थ पूरे हो गए यहाँ के वैष्णो देवी के। आंटी जी आपके हो गए दर्शन? हो गए। तो कैसे रहे आपके दर्शन? बहुत मजा आया। अच्छा तो मंदिर यहीं पर है पास में? हाँ जी यही पास में है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, चलो मैं अभी दर्शन लेकर मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, पूरे करके आना। जी 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 आंटी बिल्कुल जी, ये देखो यहीं पर है श्रीधर मंदिर। चलो ये देखो एक रास्ता यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो भाई नज़ारे हैं। आपको श्रीधर मंदिर की कहानी तो पता ही होगी, श्रीधर भगवान कौन थे?
श्रीधर भगवान जो थे वो वैष्णो देवी माता के बहुत ही ज़्यादा बड़े भक्त थे। उन्होंने वैष्णो देवी माता का भंडारा करवाने का सोचा था किसी दिन, तो वैष्णो देवी भंडारा उन्होंने जब करवाया तो यार बहुत गरीब थे वो, तो उनके थोड़ा सा कमी आ रही थी, तो एक छोटी सी कन्या माता वैष्णो देवी बनकर आई एंड उन्होंने क्या करा, पूर्ति करी उसके भंडारे की। और तभी भैरवनाथ भी वहाँ पर आ गए, भैरवनाथ चाहते थे कि उनकी पूजा की जाए, तो भैरवनाथ ने उनके भंडारे में विघ्न डालने की कोशिश करी बट वो नहीं कर पाए, असफल रहे माता के चमत्कार के कारण। उनका भंडारा एक तरह से बहुत ही ज़्यादा संपूर्ण हुआ, वहाँ पर कोई कमी नहीं थी, तो यह देखकर भैरवनाथ भी बहुत चकित हुए और वह उस कन्या के पीछे बढ़ गए। कन्या वहाँ पर जाके उस त्रिकुटा पर्वत के ऊपर भागी और सबसे पहले उन्होंने जहाँ पर मुड़कर उन्हें देखा था वहाँ पर चरण पादुका बन गई एंड थोड़ा सा आगे जाके जिस गुफा में माता ने 9 महीने तपस्या करी वो आदिकुमारी गुफा के नाम से जानी जाती है एंड उसके बाद हनुमान जी और भैरवनाथ का युद्ध हुआ जिसमें माता ने उनका सर काट दिया और भैरव घाटी पर जाके उनका सर गिरा। और माता जो थी वो पिंडी रूप में भवन में दर्शन उन्होंने दिए थे। ये देखिए दोस्तों श्रीधर मंदिर, ये रहा ये काली माता का मंदिर है। देखते हैं श्रीधर मंदिर किस तरफ है, ये मंदिर तो नीचे कोई जा रहा है। ये देखिए श्रीधर मंदिर में आपको दिखा देता हूँ। भैया श्रीधर मंदिर किस तरफ है, तो भैया बता रहे हैं श्रीधर मंदिर नीचे है, रास्ता यहाँ से इस तरफ ही, तो यहाँ से नीचे जाके देखो श्रीधर मंदिर है। मैं सोच रहा हूँ चप्पल यहीं पर उतार देता हूँ, चप्पल मैंने यहीं पर उतार दिया। देखो यार बंदर बैठे रहते हैं ऐसे, बट करते कुछ नहीं है ये, आप इनको छेड़खानी नहीं करते ना जब तक ये कुछ भी नहीं करते हैं। पंगे लेंगे तो शायद ज़रूर आपसे उससे में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों श्रीधर भगवान, दोस्तों ये मंदिर जो है ना मैंने अभी आपको इसके अंदर दर्शन करे, ये पहाड़ों के नीचे देखिए प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ये बाबा हैं उनकी कोई समाधि है इधर, काफी अच्छा मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे चलते हैं। दोस्तों देखिए नीचे से भी लोग आ रहे हैं, ये देखिए नंदी महाराज यहाँ पर नंदी बैल बैठे हैं। चलिए इनको नमस्कार करके मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूँ। यहाँ बंदर भी बैठा हुआ है, बंदर से बिल्कुल भी पंगे ना लिए और सीधा चलें आप। भैया श्रीधर मंदिर किस तरफ है, श्रीधर मंदिर श्रीधर श्रीधर यार मेरे को तो बंदरों से डर लग रहा भाई। ऊपर कौन मंदिर है, ऊपर मंदिर है भाई, नीचे तो श्रीधर मंदिर है नहीं, ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। ऊपर तो यहाँ की हालांकि ऊपर एक मंदिर ये रहा, इधर जाकर देखें। ये देखिए बाण वाण गंगा का पानी आ रहा है, ऐसे बाण गंगा का ये जल वगैरह सब भर रहे हैं यहाँ पर बाण गंगा के पानी का। भाई श्रीधर मंदिर के बारे में तो लोग नहीं पता है लोगों को, चलिए मैं आगे जाके देखता हूँ। ये देखिए लोग कैसे नहा रहे हैं यहाँ पर, बाण गंगा का पानी है ये पहाड़ों से आ रहा है। जी यहाँ पर एक मंदिर तो मुझे नजर आ रहा है, जय बाबा।
दोस्तों ये श्रीधर मंदिर है, ये श्रीधर भगवान है यानी माता बैठी हुई है, बाबा जी ने अभी बताया हमें। और यहीं पर भंडारा हुआ था, देखिए भंडारा कहाँ पर हुआ था पंडित जी? यहीं पर भंडारा हुआ था, ये बता रहे हैं, इसकी कहानी भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये देखिए माता वैष्णो देवी का मंदिर भी यहाँ पर है, देखिए देखिए दोस्तों इंद्र वैष्णो देवी माता विराज। हाँ नहीं ना ना वो सब नहीं, प्राचीन माता वैष्णो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये माता की कथा है, देखिए ये माता बैठी है अंदर। दोस्तों इसी जगह पे भंडारा हुआ था जब श्रीधर भगवान आए थे, और इसी तरह इसी जगह उन्होंने भंडारा करवाया था। यही वो स्थान है, इतना पवित्र स्थान है, देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये सारे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं इधर, यहाँ से भी देखिए ऊपर जाने का वो है। इधर देखो यहाँ पर बंदर कितने सारे हैं। माता यहीं से ऊपर पहाड़ पे चली गई थी। दोस्तों आप इस बात को मान सकते हैं कि कितनी सच्चाई है इस जगह पर, त्रिकुटा पर्वत नीचे ही है। दोस्तों श्रीधर भगवान के दर्शन मैंने आपको कराई दिए हैं, चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। अब मैं भी निकलता हूँ, काफ़ी सारे बंदर हैं, आंटी के साथ ही मैं जा रहा हूँ भाई, पता चले मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से। रास्ता है अजीब सा रास्ता ले लिया मैंने, रास्ता वो था क्या भाई, देखो यहाँ पर बंदर हैं, और बंदर की से मुझे बहुत डर लगता है। आंटी बता रही है भाई आंटी को काटा, इनके 8 दांत मारे, जबकि आंटी यहाँ की लोकल है, तब भी इतना डर लग रहा है भाई आंटी को। भाई छेड़ मत यार हमें, काट ले कहीं है ना भाई आंटी, छेड़ना वेड़ना नहीं है भाई, तुम्हारे छेड़ने के चक्कर में हमें काट ले। ये शिव जी की मूर्ति कहाँ पर, क्या है वहाँ पर? और ये अच्छा, चलो मैं एक बार आपको ये शिव जी के दर्शन भी यहाँ से करा ही देता हूँ। मैं आई हूँ तो ऐसे नीचे जाके शिव जी के आपको दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए नंदी महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ चढ़ के, ये रे भोलेनाथ की मूर्ति देखिए, ये रे भोले बाबा, ये देखिए कटरा के नज़ारा। और मैं आया था उस रोड से, ऊपर से आया था मैं। ये देखिए दोस्तों ये वही वाला मंदिर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। ज़्यादा ऊंचा नहीं है, मेरे पास ही है ये, तो यहाँ से जब मैं आगे जाता ना उस रोड से आगे वाले से, तो मुझे वो मंदिर मिल जाता। ये देखिए भोलेनाथ, ये
जय भोलेनाथ बाबा। चलते हैं इस तरफ से, चलते हैं यहाँ से। तो मुझे रास्ता दिख नहीं रहा, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही था बस आज की वीडियो में। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के लाऊँगा। एंड आप अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा जगह कवर करनी है, मेरा सपना भी बहुत जगह कवर करूँगा, आपको दिखा दूँगा मैं। मैंने श्रीधर भगवान के मंदिर के आपको दर्शन करा दिए, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं इनकेस आपको कोई डाउट हो। ये दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी जी पंडित दर्शन गुफा के अंदर, श्री बाबा अमरनाथ जी के दर्शन गुफा के अंदर। तो ये बाबा अमरनाथ के दर्शन है यहाँ पर। ये वापस रास्ता जा रहे हैं, मैं यहाँ से नीचे गया था। एंड वो रहा श्रीधर भगवान का मंदिर पेड़ के नीचे। देखिए दोस्तों, प्राचीन श्रीधर मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं। एंड ये भी कोई मंदिर है, देखिए कोई गुफा सी है यहाँ पर। तो अंदर का तो मेरे को पता नहीं कि क्या है। देखिए यहाँ से कोई बाबा जी हैं, उनकी गुफा सी है अंदर। चलिए छोड़िए इसको, देखिए प्राचीन शिव मंदिर सामने है, शिव जी का त्रिशूल ये देखिए। दोस्तों श्रीधर मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए हैं, अब देखिए ये प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन और कर लेते हैं। ये देखिए पहाड़ों से पानी आ रहा है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये पेड़ उसी टाइम का है जब श्रीधर भगवान यहाँ पर थे। ये देखिए ये बहुत पुराना पेड़ है, ये सारे पुराने पुराने पेड़ यहाँ पर, यहीं श्रीधर भगवान ने भंडारा करवाया था। माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर श्रीधर पंडित जी को दर्शन भी दिए थे, यहीं से भैरव बाबा उनके पीछे लग गए थे। दोस्तों अभी यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कम है, और पानी जब यहाँ चढ़ता है ना, एक्चुअली अभी बाणगंगा में भी पानी बहुत कम है, पानी चढ़ता है तो पूरा भर जाता है, यहाँ से पूरा भर जाता है। देखिए ब्रिज बना हुआ है, इसीलिए बना हुआ है। ये प्राचीन शिव मंदिर है, देखिए। जय माता दी सर। ये देखिए यहाँ पर ये शिवलिंग है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये प्राचीन पानी के स्रोत हैं। ये देखिए नेचुरल तरीके से यहाँ पर पानी आ रहा है। ये दो कुएं बने हुए हैं यहाँ पर, देखिए। यह नेचुरल प्राकृतिक रूप से पहाड़ों का पानी गिर रहा है। अच्छा माता रानी के टाइम के ही बनी हुई है ना। इनको कुंड को क्या कहा जाता है जी? कुंडी है, पांच बोलियां होती थी। अच्छा अच्छा तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर जब मर्जी आए तो आप यहाँ पर श्रीधर मंदिर के दर्शन जरूर करना ना भूलिएगा। कटरा के अंदर काफ़ी अच्छा मंदिर है। एंड ये देखिए यहाँ से, यहीं से भैरवनाथ
माता के पीछे पड़ गए, तो और माता का ये रहा त्रिकुटा पर्वत पीछे, माता का त्रिकुटा पर्वत वहाँ पर सामने पीछे की तरफ है, और माता यहीं से चली गई थी ऊपर, एंड भैरवनाथ जो थे उनके पीछे 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 चले गए थे। आगे चल के देखते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। देखिए दोस्तों, ये प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए नंदी बैल बाहर बैठे हुए हैं, नंदी बाबा के भी दर्शन कर लेते हैं। नंदी बाबा जी, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ से मैं आपको दिखाई देता हूँ कि जितनी भी यहाँ पर यहाँ से इनकी परिक्रमा कर लेता हूँ एक बार मैं, बाबा भोलेनाथ की, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जय शिव शिव, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए ऊपर चल के एक बार देखते हैं कि ऊपर क्या है। ये देखिए दोस्तों कितना यहाँ से सुंदर भव्य नज़ारा है भाई। ये देखिए, ये सारे आज के नहीं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम के बने हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। ये देखिए मंदिर किस चीज़ का है यहाँ पर। अब आप एक चीज़ देखिएगा, कितने पुराने देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्ति है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर पैरों के निशान है, देखिए ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा देवी देवताओं का यहाँ पर वास है, भैरव बाबा का यहाँ से ऊपर की तरफ होगा। ये देखिए दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखते हैं दोस्तों किसके दर्शन यहाँ पर होते हैं। माता रानी है, देखिए दोस्तों ऐसे पवित्र स्थान पर आने आप जरूर आएं, बहुत ही ज़्यादा आपके दिल को यहाँ पर शांति मिलेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देवी देवताओं की और मूर्ति है यहाँ पर, के दर्शन हम कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है। दोस्तों ये किस चीज़ का मंदिर है, देखिए मुझे तो ये पता नहीं है, बट मत्था टेक लेते हैं यहाँ पर। चलिए आगे आते हैं, देखिए वो रहा दोस्तों श्रीधर मंदिर, जहाँ पर श्रीधर पंडित बैठे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों इतना पुराना ये पेड़ है, ये देखिए ये जगह, ये आज का नहीं है ये दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन समय का है, जिस टाइम पे माता हुआ करती थी। एंड देखिए वो मंदिर भी ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो मंदिर है ना दोस्तों, इस पर मैं आपको बता देता हूँ इसकी कहानी क्या है। ये आपको अर्धकुंवारी माता से भी नज़र आता है। एक्चुअली इस पर ना केस चल रहा है, ये मंदिर यहाँ पर खुलने वाला था, तो लोगों ने यहाँ पर इसको खुलने नहीं दिया,
तो एक्चुअली यहाँ पर ये था कि यहाँ पर भीड़ भड़क्का हो जाएगा, जैसे कि वैष्णो देवी की अपनी चढ़ाई होती है, तो इस तरह से इसको लोगों ने खुलने नहीं दिया। तो इस चक्कर में इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है, एंड यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। लोगों ने सोचा यहाँ पर से लोग आएंगे जाएंगे तो रहन सहन में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो यही एक रीज़न है कि इसको नहीं इन्होंने बनने दिया, और इसके ऊपर अभी केस चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये प्राचीन गुफा है माता की। तो दोस्तों मैं यहाँ से अंदर गुफा में गया था, आपको मैंने दिखाया ही होगा, बहुत ही ज़्यादा भव्य दर्शन है यहाँ के, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर। दोस्तों हमने अंदर भैरव बाबा जी के भी दर्शन कर लिए, माता के भी दर्शन कर लिए, एंड ये देखिए यहाँ से आपको भैरव बाबा जी के मैं दर्शन कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ से भैरव बाबा जी बैठे हैं, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोट करी है, एंड आप भी आए, आप भी एक बार ये चीज़ नोट करिएगा, अंदर जो बाबा जी बैठे थे उनकी कम से कम 100+ एज होगी, ठीक है, आप जाकर देखिएगा। एंड वो बहुत ही ज़्यादा पुराने बाबा जी हैं, मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं वहाँ पर गया नहीं, ऐसे करके मैंने बस बाहर से आपको इसके दर्शन करा दिए, गुफा के भी दर्शन करा दिए जी। एंड आप यहाँ पर आइए ज़रूरगा, और जब भी यहाँ पर आएंगे तो आप ज़रूर दर्शन लीजिएगा यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन ये मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सुकून मिलेगा आकर। ये सारा पहाड़ों का ही पानी है दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पर ये जो पानी है ये चढ़ा नहीं है, जब ये पानी चढ़ जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, एंड यहाँ पर लोग नहाते भी हैं, तो यहाँ पर नहाने धोने का भी है, यहाँ पर देखिए लोग अभी भी नहा रहे हैं, सारा पानी पहाड़ों से आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई भी इसका स्रोत नहीं पता चलेगा कि ये आ कहाँ से रहा है, ये नेचुरल प्राकृतिक तरीके से यहाँ पर पानी आ रहा है। तो आपसे मेरा एक निवेदन और है, कभी भी प्राकृतिक से छेड़छाड़ ना करें, यहाँ पर जो चीज़ नेचुरल है उसे नेचुरली रहने दें। तो यहाँ पर आकर देखिए आप, देखिए दोस्तों यहाँ पर बकरियाँ वगैरह भी हैं, एंड यहाँ पर अभी पानी जो है वो सूखा हुआ है, जब ये पानी भर जाता है तो ये पूरा ऊपर तक आ जाता है, पत्थर तक। भाई पहाड़ों में आके गोलगप्पे खाने का मजा ही कुछ और है। भाई अंकल जी है ना, इनका पानी बहुत स्वाद है, आप हर हमेशा यहीं पर लगाते हो? हाँ, तो आप जब भी आएंगे तो अंकल जी आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पर, इनके गोलगप्पे जरूर खाइएगा, बहुत ज़्यादा स्वाद पानी है। नाम क्या अंकल जी? है सतीश, सतीश नाम है अंकल जी का। तो यहाँ पर दर्शन करने हैं तो अंकल जी से भी जरूर मिलिएगा। तो भाई गोलगप्पे हमने खा लिए हैं यार, बड़े स्वाद गोलगप्पे बनाए थे अंकल जी ने, एंड वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गोलगप्पे बनाए थे हमने, पानी बहुत ही ज़्यादा इनका स्वाद था, गोलगप्पे भी उतने ही स्वाद थे, स्वादिष्ट थे। तो आप लोग भी आएँ तो आप यहाँ पर ज़रूर गोलगप्पे ज़रूर खाइएगा, ये अंकल आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। एंड जब आप यहाँ पर आएँ और गोलगप्पे खाएँ तो आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको गोलगप्पे कैसे यहाँ पर के लगे। ये देखो दोस्तों बकरा बिस्किट खा गया है, बच्ची का बिस्किट बकरा खा गया है, निक्की का तुत खा गया, देखो अभी ये भी डालेंगे, आ जाएगा दे दे वो, नहीं तो कूद जाएगा तेरे पर। देखिए यार देखिए बकरा है यहाँ पर, ये बड़ा टुकु ये लगना दे, ये बड़ा बुला रही है बकरे को, कह रही आजा आजा, ओ सही में आ जाएगा वो, ओए ओए आ गया यार आ गया, अरे निकल ले बेचारा चला गया। जब राम जी आए थे तभी तो माता आई थी।
दोस्तों ये बकरा इतना ज्यादा शैतान है, ये हमारा एक आधा बिस्किट भी खा गया है और उसको और बिस्किट चाहिए, इसको हमारे सारे बिस्किट इसको चाहिए, अंकल के गोलगप्पे भी खा जाएगा इसका, बस चलेगा तो और चला गया बेचारा, उसको कुछ नहीं मिला तो बिस्किट खा लिए उसने एक आधी। तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पर श्रीधर पंडित जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो श्रीधर पंडित जी थे वो माता रानी के बहुत ही बड़े भक्त थे और वो माता रानी की बहुत ही ज़्यादा पूजा आराधना किया करते थे और माता रानी के वो दर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा उस पर रहते थे कि उन्हें दर्शन चाहिए, तो माता रानी के लिए ही वो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने वैष्णव भंडारा करवाने का मन बना लिया था, लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि अब वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे तो वैष्णव भंडारा कैसे करवाएं। तो उन्होंने जैसे ही भंडारा करवाया वैसे ही पूरे गांव को आमंत्रण मिल गया कि यहाँ पर वैष्णव भंडारा है, पूरा गांव वहाँ पर वैष्णव भंडारा खाने के लिए आ गया। परंतु अब क्या था कि उनका वैष्णव जो भंडारा था वो समाप्त होने लगा, तो वह ये सोचने लगे कि कैसे वो इसकी गाँव की पूर्ति करेंगे क्योंकि लोग तो ख़त्म ही नहीं हो रहे भाई खाने वाले। तो ऐसे में माता ने उनको एक कन्या के रूप में आकर चमत्कार उनको दर्शन दिए और उनका भंडारा जो है वो पूर्ति कराई और भंडारा पूरे गांव ने खाया, लेकिन भंडारा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। यह चमत्कार देकर भैरव बाबा जी भी वहां पर आ पहुंचे। अब भैरव बाबा जी ने इस भंडारे में विघ्न डालने की कोशिश करी क्योंकि वो ये जानते थे कि ये चमत्कारी कन्या कोई और ही है। तो वो माता रानी के दर्शन के लिए भैरव बाबा ने ये यहाँ पर मांस और मदिरे की मांग की और वैष्णो माता ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया कि वो यहाँ पर मांस और मदिरा उनको नहीं देंगी, ये वैष्णो भंडारा है। तो भैरव बाबा जी क्रोधित हो उठे और माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तो भैरव बाबा ने तपस्या करके माता रानी के पीछे पीछे जाने का यहाँ से त्रिकुटा पर्वत की और वो भी चल दिए। तो यहाँ से आपको ये बात तो पता ही होगी कि माता सबसे पहले बाणगंगा की ओर गई थी, उनके साथ हनुमान जी भी थे, तो उन्होंने तीर मारा था तभी बाणगंगा प्रकट हुई थी, हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता ने तीर मार के बाणगंगा प्रकट की थी। एंड दूसरी बात, माता फिर आदकुंवारी पे गई थी, उससे पहले माता चरण पादुका गई थी जहाँ पर उन्होंने भैरवनाथ को देखा था कि वो भैरवनाथ उनका पीछा करते हुए आ रहे हैं, तो वो स्थान चरण पादुका के नाम से जाना जाता है, वहाँ माता की चरण पादुका बन गई थी। फिर माता ने 9 महीने गर्भजून गुफा में तपस्या की थी एंड जो भैरव बाबा थे तब भी वहाँ पर नहीं माने, वह तपस्या करके उन्होंने पता लगा लिया था कि माता इस स्थान पर छुपी हुई हैं। तो वहाँ पर उनका युद्ध हुआ था हनुमान जी के साथ, तो हनुमान जी उनको रोकने में ज़्यादा सक्षम नहीं थे क्योंकि भैरव बाबा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो उनका युद्ध होता रहा। तो माता ने 9 महीने तपस्या करने के बाद गर्भजून गुफा में तपस्या करने के बाद बाहर आके भैरवनाथ का वध कर दिया एंड भैरव बाबा का जो धड़ था वो सर उनका अलग हो गया धड़ से एंड वो भैरव घाटी पर जाके उनका सर गिरा। तब माता ने भैरव बाबा से पूछा कि भैरव ऐसी क्या बात थी जो आप मेरे पीछे पीछे आप यहाँ तक आ रहे थे। तो भैरव बाबा ने उन्हें बताया कि मैं सिर्फ माता मुक्ति चाहता हूँ। तो माता ने उन्हें ये वरदान दिया कि आपकी पूजा करे बगैर जो यहाँ से जाएगा उसकी पूजा बिल्कुल सफल नहीं होगी, मेरे दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा जी के दर्शन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी यहाँ पर बिल्कुल भी जो यहाँ पर वैष्णो देवी माता की जो आप चढ़ाई करके ऊपर जाएंगे आप दर्शन के लिए जाएंगे तो आपके यहाँ पर दर्शन सफल नहीं होंगे जब आप भैरव घाटी पर नहीं जाते भैरव बाबा के दर्शन करने। तो दोस्तों ये कुछ कहानी थी भैरव बाबा की और माँ वैष्णो देवी की एंड श्रीधर पंडित की कहानी मैंने आपको बताई दी है। ये देखिए दोस्तों ये भी एक कुंड बना हुआ है, इसमें से ठंडा ठंडा जल आ रहा है, ये भी एक कुंड है, अभी मैं पानी इसमें से भर लेता हूँ। ये देखिए आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा एंड कमेंट कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो। कि दोस्तों ये जो जगह है ना यहाँ पर जब पानी आता है तो पानी काफ़ी ऊंचा ऊंचा भर जाता है, बट अभी यहाँ पर पानी कम है, बाणगंगा में भी पानी नहीं था सो यहाँ पर अभी पानी कम ही है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी
थोड़ा थोड़ा पानी है, ज्यादा पानी है नहीं। आजा मम्मी आजा। ये बाढ़ का मैं दिला रहा हूं। काफी ठंडा पानी है जी, बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, चलो अच्छा है। बहुत ही ज्यादा चिल्ड पानी है जी, गर्मी में कितना मजा आता होगा इसके अंदर, बहुत ही है ना, बहुत ठंडा पानी। ये देखिए दोस्तों, 7-8 इतना प्योर यहाँ पर पानी है, ये सारा बाणगंगा का जल है। इतना मीठ, इतना साफ पानी है यहाँ पर, आपको बिल्कुल क्लियरिटी नजर आ रही होगी, देखो पानी के अंदर बिल्कुल गंदा पानी नहीं है यहाँ पर, ये पानी बहते हुए यहाँ से जा रहा है। बट अभी थोड़ा कम पानी है, इतना है। बट एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा, यहाँ देखिए लोग कितना गंदे फैला देते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप बताइए। बट यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ है। ये भाई बिल्ली देखिए, पालतू बिल्ली है, यही रहती है। ले अरे ले 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 ले, म्याऊं म्याऊं कर रही है। नहीं देख बिल्ली मौसी, म्याऊं कर रही है पंजे में। ये बैठी देख बिल्ली मौसी, ये रही है, रही कदे पीछो पीछो। और बिल्ली मौसी कहां बिल्ली मौसी को दिखा दो, ये बिल्ली मौसी देखिए, ये देखिए। तो भाई हम लोग अब घर जा रहे हैं, ठीक है अंकल जी, ठीक है, अगली बार मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कभी भी आए तो भाई इन अंकल के गोलगप्पे खाना जरूर भूलिएगा, जरूर खाइएगा। चलो लाला, चलो विकास लड्डू को ले ले तू, विकास लड्डू को उठा ले ले। दादू, 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 दादू,